80-20 का वो बोले हैं ना कि 80-20 की लड़ाई है, तो 80% समाजवादी का है, 20% में बंटवारा है। सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन देने से भैया किसी गरीब का पेट नहीं भर जाएगा। नहीं, ये जुमलेबाज सरकार है, इनको उत्तर प्रदेश से नहीं, इनको पूरे देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या प्रधानमंत्री जी तो जो है ना, नाली से गैस निकाल करके वो चाय बेच रहे थे। उन्होंने, हो सकता है उन्होंने जो है 12वीं पास करके इंटर किया हो, इसीलिए उनको जानकारी है। उनको इतना नहीं पता है कि 12 और इंटर क्या है, और वो गृह मंत्री बन करके बैठे हुए हैं। तो इससे सोचिए कि हमारे देश का भविष्य अंधेरे में है किया नहीं है। मस्जिद से खाने को मिलेगा न मंदिर से खाने को मिलेगा, हमको रोजगार से खाने को मिलेगा। हमको रोजगार चाहिए। अगर इन्होंने रोजगार दिया होता तो शायद था कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनको फिर से लाती। लेकिन इन्होंने जुमलेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं किया है। विकास के नाम पे अगर आप इनसे बात मत करने जाएंगे तो ये तुरंत अपना पल्ला झाड़ के तुरंत एकदम कोना पकड़ के भाग जाएंगे, एकदम किनारे भाग जाएंगे। इस बार पूरा मुस्लिम समाज जान रहा है कि हमको वोट कहाँ देना है और हमारा विकास पुरुष कौन है। हमारे विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव है, ये पूरा मुस्लिम समाज जान रहा है। माँ गंगा ने उनको बुलाया है, अब माँ गंगा ही उनको भेजेंगी गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता आवाज, मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी थी। आज से 7वें फेज के लिए वोटिंग और 7 तारीख है। आज मैं इस समय वाराणसी में मौजूद हूं। वाराणसी में देखा जाए तो सपा और भाजपा में यहां पे आपको टक्कर नज़र आएगी, क्योंकि यही वो जिला है जहाँ से सांसद हुआ करते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पे मेरे साथ सपा के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा मैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम सद्दाम खान अकेला है और मैं शहर उत्तरी का ही हूँ। और इस बार जो है हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारी समाजवादी सरकार 300 प्लस सीटों के साथ चुनाव जीतने जा रही है। और हमारे माननीय अशफाक अहमद डब्लू जी सर उत्तरी विधायक कम से कम जो है, कम से कम वो 50,000 वोटों से विजयी होंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि समाजवादी सरकार बनने का मुद्दा क्या है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा और रोज़गार, इन लोगों ने 2014 में 2017 में इन लोगों ने वादा किया था कि हाँ जो है युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद जो है सारी सुविधा जो जो भी इन लोगों ने बताई थी, एक एक नहीं गिना सकता, उतना हमारे पास वक्त नहीं है, इन्होंने कहा था। और इन लोग की हर योजना इनकी फेल है। सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन देने से भैया किसी गरीब का पेट नहीं भर जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। सबसे भाजपा वाले तो कहते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए 5 साल में, पिछली सरकारें हो चाहे वो मायावती की हो, अखिलेश की हो। यहाँ पे इतने युवा हमारे भाई खड़े हैं, कोई एमए किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई एमएससी किया है, उनसे पूछ लीजिए क्या उनको रोजगार मिली। आपने लखनऊ में हाल देखा होगा, ये लोग गए रोजगार मांगने तो इनको रोजगार के नाम पे क्या मिली? लाठियां मिली। इलाहाबाद में आपने देखा बेकसूर छात्रों को इन्होंने हॉस्टल में घुस के पुलिस के बल पे हॉस्टल में घुस के मारा है। इसीलिए इस बार नौजवान, किसान और छात्र सब, और क्षेत्र की जनता जो गरीब जनता है, वो भी जान गई है कि नहीं, ये जुमलेबाज सरकार है, इनको उत्तर प्रदेश से नहीं, इनको पूरे देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आपने किसानों की बात की, वो तो कहते हैं कि अब तो हम गोबर से रोजगार लाने वाले हैं, गोबर से रोजगार होगा। भैया गोबर से रोजगार कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गोबर से रोजगार। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी तो जो है ना, नाली से गैस निकाल करके वो चाय बेच रहे थे। और जिस समय जो है क्या कंप्यूटर नहीं था, तो उस समय वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनसे बड़ा जुमलेबाज। यहाँ पे युवा, गोबर से रोजगार मिलेगा आप लोगों को? गोबर से रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि गोबर की बात करने वाले खुद ही गाय भैंस शहर से निकाल रहे हैं। तो अगर गोबर ही इतनी बड़ी मुद्दा है तो गोबर को घर घर उठाएं और ले जाएं और उससे रोजगार पैदा करें। बनारस में तो गोबर है ही नहीं, गाय भैंस निकाल दे रहे तो गोबर कहाँ से रहेगा बनारस में? स्मार्ट सिटी के नाम पे गाय और भैंसों को बाहर निकाला जा रहा है, इस पर क्या विपक्ष हिंदू कहाँ गया? इस खतरे में नहीं है हिंदू? गाय पे राजनीति करने वाले गाय को बाहर निकाल रहे हैं, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर।
मुद्दे पर राजनीति नहीं करते वो लोग, मुद्दे पर राजनीति कभी उन्होंने नहीं किया है। आप लोगों को 4.5 लाख रोजगार मिले हैं, भाजपा सरकार कहती है कि आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो गलत है। योगी जी दो दिन पहले बता रहा हूँ, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए थे। योगी जी बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिया, आप बोले 4.5 करोड़ दे दिया। कहाँ दे दिया? 4.5 लाख दे दिया। क्या दे दिया? जब उन लोगों के पास सही आंकड़े ही नहीं है तो क्या बताएंगे? जो इंटर के बाद जो वापस 12वीं में बैठा दे रहे हैं वो रोजगार देंगे? नहीं दे सकते हैं वो रोजगार। शायद योगी जी ने शायद कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुलवा दी हो जिसमें इंटर के बाद 12वीं होती हो। नहीं नहीं नहीं, वो गोरखपुर में ही हो सकता है, और कहीं नहीं होगा, वो मठ में ही होगा। आपको लगता है कि गोरखपुर में ऐसा कॉलेज है जहाँ पे इंटर के बाद 12वीं होती है? वो योगी जी का ये हमारे माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की शिक्षा के ऊपर ये बिलोंग करता है कि उन्होंने, हो सकता है उन्होंने जो है 12वीं पास करके इंटर किया हो, इसीलिए उनको जानकारी है। उनके ज़माने में होता होगा कि नहीं 12वीं पास करके इंटर किया जाता है, तो ये हमारे अमित शाह जी का बयान है। और इसमें जो है अब उनसे हमारे छात्र अब वही तैयारी कर रहे हैं कि भैया हम लोग को लैपटॉप लेना है, तो हम लोग 12 पास करके फिर इंटर में जाएंगे। तो ऐसा कभी होता है कि 12 पास करके इंटर? जब उनको इतना नहीं पता है कि 12 और इंटर क्या है, और वो गृह मंत्री बन करके बैठे हुए हैं, तो इससे सोचिए कि हमारे देश का भविष्य अंधेरे में है कि या नहीं है, आप ये देखिए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास मंदिर मस्जिद ये मुद्दे हटा दें, हिंदू मुस्लिम मुद्दे हटा दें, विकास के नाम पे अगर आप इनसे बात करने जाएंगे तो ये तुरंत अपना पल्ला झाड़ के तुरंत एकदम कोना पकड़ के भाग जाएंगे, एकदम किनारे भाग जाएंगे। विकास के नाम पे ये बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम जातिवाद, बस ये सिर्फ यही कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद कर सकते हैं। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, न हमको मस्जिद से खाने को मिलेगा, न मंदिर से खाने को मिलेगा, हमको रोजगार से खाने को मिलेगा। हमको रोजगार चाहिए। अगर इन्होंने रोजगार दिया होता तो शायद था कि उत्तर प्रदेश की जनता एक इस बार इनको फिर से लाती, लेकिन इन्होंने जुमलेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं किया है। वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है योगी जी ने, ये कहते हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे, ये तो ये भी बोल दिए कि आप ही की वाराणसी में कहते थे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा। तो माँ गंगा ने उनको बुलाया है, अब माँ गंगा ही उनको भेजेंगी गुजरात, माँ गंगा ही उनको वापस भेजेंगी। माँ गंगा ने बुलाया तो क्या किया? ये शहर में लाइटिंग करवा दी, क्या ये पहले नहीं था? एलईडी लगवाया, ये विकास है? हमारे बनारस शहर में क्या पहले रोडें नहीं थी? हमारे बनारस शहर वाले लोग पहले कहाँ खेत? बनारस के लोगों को सबको रोजगार मिल गया, किसी को भी नहीं मिला है। दिए होंगे तो जो उनके खास लोग हैं उनको दिए होंगे, अन्यथा किसी भी छात्र स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिला है। क्या आपका क्या नाम है? मोहसिन अहमद नाम है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? अखिलेश। अच्छा, ये असुद्दीन ओवैसी साहब भी आ गए इस बार यूपी में, वो भी प्रचार कर रहे हैं लगातार, उनकी रैलियां हो रही, तो मुस्लिम वोट है उस तरफ जा रहा है या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, कोई बंटवारा नहीं होगा। इस बार पूरा मुस्लिम समाज जान रहा है कि हमको वोट कहाँ देना है और हमारा विकास पुरुष कौन है। हमारे विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव है, ये पूरा मुस्लिम समाज जान रहा है, और पूरा मुस्लिम समाज एक होकर माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दे रहा है। क्या कह रहे हैं? भाजपा का घर शहर दक्षिणी है, दक्षिणी से समझ लीजिए नीलकंठ तिवारी जी हार रहे हैं, वहाँ से किशन दिखी निकल, समझ लीजिए भाजपा का घर। केशव प्रसाद मौर्य जी तो कह रहे हैं कि मौर्य समाज सब भाजपा में जा रहा है। कुछ नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में सारे मौर्य लोग वोट कर रहे हैं जी। तो आपके हिसाब से मौर्य समाज सभा को जा रहा है? हाँ, सभा को जा रहा है, खुल के जा रहा है एकदम। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना आप लोग? हिंदू नहीं हम लोग, हम लोग हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, हम लोग पहने हैं ये नहीं, जनेऊ नहीं पहने, हिंदू नहीं है, हिंदू तो है। वो तो कहते हैं 80 बनाम 20 चुनाव, धर्म और जात की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में खत्म होने वाली है। अब विकास और रोजगार और किसान और विकास के लिए बात होगी केवल। तो हम पान खाएंगे भैया सुनिए, जो 80-20 का वो बोले है ना कि 80-20 की लड़ाई है, तो 80% समाजवादी का है, 20% में बंटवारा है। 80% समाजवाद का है, 20% में बंटवारा है। चलिए, मैं लगातार वाराणसी में था, जिस प्रकार से टीवी अखबार दिखा रहा था कि चुनाव ये
हिंदू मुस्लिम हो जाए, रोजगार शिक्षा पे बात ना हो, लेकिन ग्राउंड पे जाएंगे आप, जब लोगों से बात करेंगे तो साफ तौर पे लगता है ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पे नहीं, इस बार रोजगार शिक्षा महंगाई इन सब मुद्दों पे जो चुनाव ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। परिणाम 10 मार्च को आएंगे, नतीजे आपके सामने हो। कैमरामैन आशीष के साथ अनुराग कुमार, वाराणसी से।